आज एक बार फिर आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। देखिए, जिस तरह से मैंने आपको पिछले कई वीडियो लेक्चर में सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कंजक्शन के बारे में बताया हूँ कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज कैसे किया जाता है, हर एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ मैंने आपको बताया है और एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको उसको बताया है कि किस तरह से हम सब ऑर्डिनेटिंग अलग अलग सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज कर सकते हैं अलग अलग सेंस के लिए। ठीक उसी तरह से आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ ऐसे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में जानने वाले हैं जिसको लेके अक्सर हमको क्लैरिटी नहीं हो पाता है कि ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है या कंजक्शन के तौर पे यूज किया जा रहा है या WH फैमिली या क्वेश्चन वर्ड के तौर पे इसको यूज किया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ऐसे कुछ पॉइंट के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आपको ये क्लैरिटी हो जाएगा कि ये जो वर्ड यूज किया गया है ये कंजक्शन के तौर पे यूज किया गया है या WH फैमिली या क्वेश्चन वर्ड के तौर पे इसको यूज किया गया है। तो आप इस वीडियो लेक्चर को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ जरूर नया सीखने को मिलेगा। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले, कुछ भी जानने को मिले, तो आप क्या करिए, इस YouTube चैनल यानी इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहुंच जाए, जिससे कि आप उस वीडियो को मिस ना कर पाएं। चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, मैंने आपको क्या बताया है कि ये वीडियो लेक्चर सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का वीडियो लेक्चर है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हु के बारे में, होम के बारे में, हुज़ के बारे में, विच के बारे में, वेयर के बारे में, वेन के बारे में। देखिए, अक्सर जब आपने अभी ये सभी वर्ड देखा तो आपको क्या लगा, आपको ये लगा कि ये जो सभी वर्ड है इनका तो यूज़ हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। हाँ, हम करते हैं। और जब इनका यूज हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं तो इनका यूज किसके तौर पर किया जाता है, WH फैमिली के तौर पर किया जाता है। कौन सा सेंस निकल के आता है जब हम इनको यूज़ करते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन करके। और जब इनका यूज हम कंजक्शन के तौर पे करते हैं तो किस तरह से इनको यूज किया जाता है। तो चलिए हम वन बाय वन करके देखते हैं कि जब हु को WH फैमिली के तौर पे यूज किया जाएगा तो किस तरह से इसको यूज किया जाएगा और कैसे हम पहचानेंगे कि इस सेंटेंस में हु का यूज एज आ WH फैमिली या क्वेश्चन वर्ड के तौर पे यूज किया गया है या कंजक्शन के तौर पे यूज किया गया है, मैं आपको सब बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने WHO से यानी हु से। अब देखिए, आप जैसा कि जानते हैं कि हु का मतलब क्या होता है, हु का मतलब होता है कौन, आप जानते भी हैं इस चीज को, कौन किसके मतलब होता है हु। अब देखिए, जब हम हु का यूज किसके लिए करेंगे, कौन के लिए करेंगे, तो यहाँ पे हु का यूज एज अ WH फैमिली किया जाएगा। क्योंकि WH फैमिली क्या होता है, देखिए WH फैमिली वो वर्ड होता है जिसको यूज करके हम क्वेश्चन पूछते हैं, हम कोई प्रश्न पूछते हैं, तो वो क्या होता है, WH फैमिली होता है। अब यहाँ पे जब हु का यूज कौन के लिए किया जाएगा तो किस तरह के सेंस, किस तरह के सेंटेंस में इसको यूज किया जाएगा, यहाँ पे देखिए आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है। सेंटेंस क्या है, आपका दोस्त कौन है। अब यहाँ पे देखिए कौन का यूज किया गया है, अब कौन का यूज करके यहाँ पे क्या किया गया है, कौन का यूज करके यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन किया गया है ना, तो यहाँ पे कौन के लिए हम किसका यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे और ये सेंटेंस बनेगा हु इज योर फ्रेंड यहाँ पे, सॉरी हु इज योर फ्रेंड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखिए हु का यूज किया गया किसके तौर पे, यहाँ पे हु का यूज किया गया WH फैमिली के तौर पे, क्यों, क्योंकि इसका यूज करके यहाँ पे क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जब भी हु का यूज आप कौन के सेंस के लिए करेंगे और वहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा तो वहाँ पे हु का यूज किसके तौर पे होगा, WH फैमिली के तौर पे। और जब हु का यूज आप जो के सेंस के लिए करते हैं, जब आपके सेंटेंस में जो का सेंस आएगा किसी लिविंग थिंग के लिए, लिविंग थिंग का मतलब होता है क्या, सजीव के लिए, जो का सेंस आएगा तो आप हु का यूज करेंगे जो के सेंस के लिए और तब वहाँ पे हु क्या होगा, WH फैमिली नहीं होगा,
बल्कि क्या होगा, कंजक्शन होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, वह वही लड़का है, यहाँ पे देखिए मिट गया है, मैं आप यहाँ से फिर से लिख देता हूँ, जो मेरा दोस्त है। यहाँ पे देखिए क्या है, वह वही लड़का है जो मेरा दोस्त है। अब यहाँ पे देखिए जो का सेंस आ रहा है, पहले हम क्या करते हैं सेंटेंस को बना लेते हैं, उसके बाद सेंटेंस जब बन जाएगा मैं आपको उसके थ्रू बता दूंगा कि किस तरह से यहाँ पे हु का यूज एज अ कंजक्शन किया गया है। वह वही लड़का है तो हम क्या करेंगे, ही इज़ दैट बॉय। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो के लिए मैंने हु का यूज किया, जो मेरा दोस्त है, हु इज़ माई फ्रेंड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हु का यूज क्यों किया गया है, क्योंकि इस सेंटेंस में जो का सेंस आ रहा है। अब यहाँ पे हु का यूज किसके तौर पे किया गया है, यहाँ पे हु का यूज एज अ कंजक्शन किया गया है, कंजक्शन के तौर पे किया गया है। और एक पहचान और मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उसके द्वारा आप ये जान पाएंगे कि इस सेंटेंस में इन सभी वर्ड्स का यूज एज अ डब्ल्यू एच फैमिली किया गया है या एज अ कंजक्शन किया गया है। वो ट्रिक क्या है, देखिए जब आपके सेंटेंस में ये सभी वर्ड आए, ये सभी शब्द आए और उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज किया गया हो, तो आप कह दीजिए कि ये सभी वर्ड जो यूज किए गए हैं आपके सेंटेंस में वो किसके तौर पे यूज किए गए हैं, डब्ल्यू एच फैमिली के तौर पे यूज किए गए हैं। और जब आपके सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप का यूज किया गया हो, फुल स्टॉप का यूज किया गया हो तो आप कहिए कि इन सभी वर्ड्स का यूज किसके तौर पे किया गया है, कंजक्शन के तौर पे किया गया है। तो आप इस तरह से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इन सभी वर्ड्स का यूज एज अ डब्ल्यू एच फैमिली के तौर पे यूज हो रहा है या एज अ कंजक्शन यूज हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, हु इज योर फ्रेंड, अब यहाँ पे हु का यूज करके यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है और इसके लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क का भी यूज किया गया है। तो यहाँ पे हु किसके तौर पे यूज हो रहा है, डब्ल्यू एच फैमिली के तौर पे यूज किया गया है। और यहाँ पे देखिए, वह वही लड़का है जो मेरा दोस्त है, ही इज दैट बॉय, उसके बाद हु का यूज किया गया है किसके लिए, जो के लिए। और यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप का यूज किया गया है और यहाँ पे हु का यूज किसके तौर पे किया गया है, यहाँ पे हु का यूज कंजक्शन के तौर पे किया गया है। तो आप इस तरह से हु का यूज करते हैं डब्ल्यू एच फैमिली के तौर पे और कंजक्शन के तौर पे इस तरह से यूज किया जाता है हु का। अब हम इसी तरह से अपने नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं और नेक्स्ट वर्ड क्या है, होम। देखिए होम का यूज हम कैसे करते हैं, होम का यूज जब भी डब्ल्यू एच फैमिली के तौर पे किया जाएगा तो वहाँ पे सेंस आएगा किसे, और जब इसको हम किसके तौर पे यूज करेंगे, कंजक्शन के तौर पे यूज करेंगे, तो वहाँ पे सेंस क्या आएगा, जिसे या जिससे। हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपके सामने दो सेंटेंस लिखा गया है, दो एग्जांपल लिखा गया है। देखिए यहाँ पे पहला एग्जांपल क्या है, पहला सेंटेंस क्या है, आपने मेरा लैपटॉप किसे दिया था, और दूसरा सेंटेंस क्या है, आप मेरे दोस्त के दोस्त हैं जिससे मैं कल रात में मिला। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, इस सेंटेंस में किसे का सेंस आ रहा है और इस सेंटेंस में क्या सेंस आ रहा है, जिससे का सेंस आ रहा है। अब यहाँ पे पहले इस सेंटेंस को बना लेते हैं, फिर इसके थ्रू हम समझेंगे कि किस तरह से इस सेंटेंस में होम का यूज डब्ल्यू एच फैमिली के तौर पे किया जाएगा और किया गया है, और किस तरह से इस सेंटेंस में होम का यूज एज अ कंजक्शन किया गया है। यहाँ पे देखिए, आपने मेरा लैपटॉप किसे दिया था, तो आप किस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे, होम हैड यू गिवन माई लैपटॉप। यहाँ पे इस तरह से आप सेंटेंस को बनाते हैं, और दूसरा सेंटेंस, आप मेरे दोस्त के दोस्त हैं जिससे मैं कल रात में मिला, तो आप इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा, यू आर माई फ्रेंड, जिससे। अब यहाँ पे देखिए जिससे का सेंस आ रहा, तो जिससे के लिए हम किसका यूज करेंगे, होम आई मेट लास्ट नाइट। यहाँ पे लास्ट नाइट का मतलब क्या होता है, बीता हुआ रात,
ठीक है। अब यहाँ पे होम का यूज देखिए किस तरह से किया गया है, और यहाँ पे होम का यूज देखिए किस तरह से किया गया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो ट्रिक आपको बताया है उसको जरा याद रखिए। अब देखिए ट्रिक मैंने आपको क्या बताया है कि जब इसका यानी इन सभी वर्ड का यूज किया जाए तो आप उस सेंटेंस के लास्ट में देखिए कि इस सेंटेंस के लास्ट में क्या है। अगर क्वेश्चन मार्क हो ना तो आप तुरंत कह दीजिए कि इस सेंटेंस में जो वर्ड यूज किया गया है हूँ वो क्या है, डब्ल्यू एच फैमिली के तौर पे यूज किया गया है। तो यहाँ पे देखिए होम का यूज किया गया किसे के सेंस के लिए, और इस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है। तो यहाँ पे ये वर्ड क्या है, ये वर्ड डब्ल्यू एच फैमिली है, और यहाँ पे इसको क्वेश्चन वर्ड के तौर पे यूज किया गया है, और यहाँ पे इसका यूज करके क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे। और दूसरे सेंटेंस में देखिए, आप मेरे दोस्त के दोस्त हैं जिससे मैं कल रात में मिला, तो यू आर माई फ्रेंड्स फ्रेंड होम आई मेट लास्ट नाइट। यहाँ पे देखिए लास्ट में फुल स्टॉप है और यहाँ पे होम का यूज किया गया है, तो किसके तौर पे यूज किया गया है, कंजक्शन के, एज अ कंजक्शन इसको यूज किया गया है, कंजक्शन के तौर पे इसको यूज किया गया है। तो आप इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है वो डब्ल्यू एच फैमिली है या ये कंजक्शन है। अब हम इसी के साथ नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, हुज है। अब यहाँ पे देखिए हुज का यूज हम कैसे करते हैं, जब इसको हम डब्ल्यू एच फैमिली के तौर पे यूज करेंगे तो किस तरह से इसका सेंस आएगा, और जब हम इसको किसके तौर पे यूज करेंगे, कंजक्शन के तौर पे यूज करेंगे तो इसका क्या सेंस आएगा। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि जब भी आप हुज का यूज करेंगे डब्ल्यू एच फैमिली के तौर पे तो वहाँ पे आपको सेंस मिलेगा किसका, यानी किसके के सेंस के लिए आप हुज का यूज करेंगे, और जब आप इसको एज अ कंजक्शन यूज करेंगे तो आपको सेंस क्या मिलेगा, जिसका। तो जब आपके सेंटेंस में किसका आता है या जिसका आता है तो आप उन दोनों के लिए हुज का यूज करते हैं। फर्क बस इतना है कि जब आप किसका के लिए हुज का यूज करते हैं तो वहाँ पे आप हुज का यूज एज अ डब्ल्यू एच फैमिली करते हैं, और जब आप जिसका के लिए हुज का यूज करते हैं तो वहाँ पे आप हुज का यूज एज अ कंजक्शन करते हैं। बस यही फर्क है। इसको भी चलिए हम आपके सामने दो एग्जांपल रखते हैं और इसके थ्रू हम जानते हैं कि किस तरह से हुज का यूज किया जाता है किसका और जिसका के लिए। देखिए अब यहाँ पे एक बार फिर और आपके सामने क्या लिखा गया है, सेंटेंस लिखा गया है, एग्जाम्पल रखा गया है। आप इसके थ्रू समझिए कि किस तरह से हम हुज का यूज कर रहे हैं किसका और जिसका के लिए। देखिए जब हम इस सेंटेंस को बनाते हैं जहाँ पे क्या है, यह कलम किसका है, तो आप इस सेंटेंस को बनाएंगे तो ये सेंटेंस बनेगा हुज इज दिस, हुज इज दिस दिस पेन, यह कलम किसका है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज आप कर देंगे। और जब यह सेंटेंस बनाएंगे जहाँ पे क्या लिखा है, यह एक आदमी है जिसका दोस्त बहुत धनी है, तो आप जब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो क्या बनेगा, दिस इज अ मैन। अब यहाँ पे जिसका दोस्त तो हुज फ्रेंड इज वेरी वेरी रिच, whose friend is very rich। अब यहाँ पे देखिए whose का यूज किया गया और यहाँ पे भी whose का यूज किया गया। यहाँ पे whose का यूज किया गया किसका के लिए और यहाँ पे whose का यूज किया गया जिसका के लिए। तो यहाँ पे या whose का यूज जो किया गया है वो किसके तौर पे किया गया है, क्या यहाँ पे कंजक्शन के तौर पे यूज किया गया है या डब्ल्यू एच फैमिली के तौर पे यूज किया गया है। तो देखिए आप सेंटेंस के लास्ट में जरा फोकस कर लीजिए कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो ऑब्वियसली इस सेंटेंस को आप कह दीजिए कि इस सेंटेंस में जो हुज का यूज़ किया गया है ये डब्ल्यू एच फैमिली के तौर पे यूज़ किया गया है, और यहाँ पे जो हुज का यूज़ किया गया है वो किसके तौर पे यूज़ किया गया है, कंजक्शन के तौर पे यूज़ किया गया है। अब हम आते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वर्ड पे, देखिए जहाँ पे क्या है, विच। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि विच का यूज जब हम डब्ल्यू एच फैमिली के तौर पे करते हैं या क्वेश्चन वर्ड के तौर पे करते हैं तो इसका क्या सेंस निकल के आता है, इसका सेंस निकल के आता है कौन सा, और जब इसको यूज किया जाता है कंजक्शन के तौर पे तो इसका सेंस क्या निकल के आता है, जो या जिसका। लेकिन ध्यान में आप ये रखेंगे कि यहाँ पे देखिए हु का यूज भी आप जो के लिए कर रहे थे ठीक है, लेकिन यहाँ पे विच का यूज भी आप जो के लिए करेंगे, तो फिर फर्क क्या है हु में और विच में। फर्क ये है
कि आप हु का यूज लिविंग थिंग के लिए कर रहे थे, जहाँ पे सजीव की बात हो रही है वहाँ पे आप हु का यूज करेंगे, और विच का यूज आप जो के लिए तब करेंगे जब बात किसकी होगी नॉन लिविंग थिंग की। नॉन लिविंग थिंग का मतलब क्या होता है, निर्जीव चीज़ों के बारे में अगर बात होगी तो वहाँ पे आप किसका यूज करेंगे, विच का यूज करेंगे, जो या जिसका के लिए। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल पे अपने मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे आपके सामने सेंटेंस रखा गया है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या है, आपका कलम कौन सा है, और दूसरा सेंटेंस क्या है, मेरे पास एक किताब है जो मैं रोज पढ़ता हूँ या जिसको मैं रोज पढ़ता हूँ। यहाँ पे देखिए आपके पहले सेंटेंस में क्या है, कौन सा का सेंस आ रहा है, और दूसरे सेंटेंस में जो का सेंस आ रहा है। अब पहले हम इन दोनों सेंटेंस को बना लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम इस सेंटेंस में विच का यूज WH फैमिली के तौर पे और कंजक्शन के तौर पे यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपका कलम कौन सा है, तो इस सेंटेंस को बनाएंगे विच इज योर पेन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, मेरे पास एक किताब है, तो आप कहेंगे आई हैव अ बुक जो मैं रोज पढ़ता हूँ। यहाँ पे विच आई रीड डेली। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी विच का यूज, यहाँ पे भी विच का यूज, इस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इस सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप। यहाँ पे देखिए इसका यूज जब मैंने किया तो यहाँ पे हमको सेंस क्या मिला, यहाँ पे हमको सेंस मिला कौन सा, और यहाँ पे जब हमने विच का यूज किया तो यहाँ पे हमको सेंस मिला जो या जिसका, ठीक है, जो या जिसको, ठीक है। तो इस तरह से हम विच का यूज कर रहे हैं। अब कहाँ पे WH फैमिली के तौर पे यूज हो रहा है आप बताइए, और कहाँ पे कंजक्शन का यूज हो रहा है वो भी आप बताइए। यहाँ पे देखिए मैंने आपको जो ट्रिक बताया है उसको हमेशा याद रखिए कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, और यहाँ पे विच का यूज किसके तौर पे हो रहा है, WH फैमिली के तौर पे हो रहा, और यहाँ पे फुल स्टॉप, और यहाँ पे विच का यूज किसके तौर पे किया गया है, यहाँ पे विच का यूज कंजक्शन के तौर पे किया गया है। अब हम इसके साथ अपने नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, जहाँ पे वेयर आपको बताया गया है। देखिए यहाँ पे वेयर का यूज हम जब WH फैमिली के तौर पे करते हैं या क्वेश्चन वर्ड के तौर पे करते हैं तो वहाँ पे हमको सेंस क्या मिलता है, कहाँ का, और जब इसको कंजक्शन के तौर पे यूज किया जाता है तो हमको सेंस क्या मिलता है, जहाँ का। चलिए देखते हैं इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए मैं आपको हर एक पॉइंट एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ जो आपके लिए प्लस पॉइंट है। देखिए कई लोग क्या करते हैं कि केवल जान जाते हैं कि इसका यूज हम यहाँ पे इस सेंस के लिए और यहाँ पे इस सेंस के लिए करते हैं, लेकिन किस तरह से उसको सेंटेंस में यूज किया जाता है ये उनको पता ही नहीं रहता। तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इसलिए बताता हूँ ताकि आप ये जान पाएं कि कहाँ पे हम किस तरह से किस वर्ड का यूज करेंगे। तो आप वीडियो लेक्चर को पूरा देखिए और एग्जाम्पल के साथ समझिए कि किस तरह से कौन से वर्ड का यूज किया जाएगा और कब कहाँ पे किसका सेंस चेंज हो जाएगा। आप देखिए एग्जाम्पल को समझिए, और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको जो आप क्वेश्चन किए रहेंगे मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। अब देखिए एग्जाम्पल को, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल क्या है, सेंटेंस क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं, और दूसरा सेंटेंस क्या है, दिल्ली अच्छा शहर है जहाँ मैं रहता था। यहाँ पे देखिए कहाँ का यूज किया गया है और इसका यूज करके क्या किया गया है, क्वेश्चन किया गया है, प्रश्न पूछा गया है। और यहाँ पे देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है, दिल्ली अच्छा शहर है जहाँ मैं रहता था। यहाँ पे देखिए जहाँ का सेंस आ रहा है। अब चलिए दोनों सेंटेंस को हम बनाते हैं वेयर का यूज करके। जब इस सेंटेंस को आप बनाएंगे तो क्या होगा, आप इसको यूज करेंगे वेयर को एज आ किसके तौर पे, WH फैमिली के तौर पे, किस तरह से यूज किया जाएगा अब मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखिए Where are you going? इस सेंटेंस को आप इस तरह से बनाएंगे, और दूसरा सेंटेंस क्या है, दिल्ली अच्छा शहर है, तो आप दिल्ली इज़ अ गुड सिटी जहाँ मैं रहता था, where I lived। यहाँ पे देखिए यहाँ पे वेयर का यूज किसके तौर पे किया गया है, और यहाँ पे वेयर का यूज किसके तौर पे किया गया है, और यहाँ पे जब वेयर का यूज किया गया है तो क्यों किया गया है, किस सेंस के लिए किया गया है, और यहाँ पे वेयर का यूज किया गया है तो क्यों किया गया है, किस सेंस के लिए किया गया है। तो देखिए यहाँ पे वेयर का यूज किया गया है कहाँ के सेंस के लिए, और यहाँ
पे इस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़, तो यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली के तौर पे इसको यूज़ किया गया है। और यहाँ पे देखिए वेयर का यूज़ जहाँ के सेंस के लिए किया गया है, और इस सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप, तो यहाँ पे वेयर का यूज़ किसके तौर पे यूज़ किया गया है, कंजक्शन के तौर पे इसको यूज़ किया गया है। तो आप इस तरह से वेयर का यूज़ करते हैं कहाँ और जहाँ के लिए। अब हम बात करते हैं वेन के बारे में। देखिए वेन का यूज़ भी हम जब क्वेश्चन वर्ड के तौर पे इसको यूज़ किया जाएगा डब्ल्यू एच फैमिली के तौर पे, तो इसका सेंस आएगा कब, और जब इसका यूज कंजक्शन के तौर पे किया जाएगा तो इसका सेंस आएगा जब। कैसे, किस सेंटेंस में कब आएगा और कैसे किस सेंटेंस में जब आएगा, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, आप उसको देखिए। देखिए आपके सामने वेन से रिलेटेड दो सेंटेंस यहाँ पर लिखे गए हैं। दो सेंटेंस क्या है, वह यहाँ कब आएगा, और दूसरा सेंटेंस क्या है, मैं खाना खा रहा था जब वह मेरे घर आया। यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में कब का यूज़ और इस सेंटेंस में जब का यूज़ किया गया है। और यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में कब का यूज करके क्या किया गया है, प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन किया गया है। और यहाँ पे जब का यूज़ किया गया है, और यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बल्कि ये बताया गया है, ये क्या किया गया है, एक्सपोज किया गया है किसी भी स्टेटमेंट को। और इस सेंटेंस के लास्ट में किसका यूज़ किया गया है, फुल स्टॉप का। चलिए इस सेंटेंस को बनाते हैं, देखते हैं कि किस तरह से सेंटेंस बनता है और किस तरह से वहाँ पे वेन का यूज़ ऐसा डब्ल्यू एच फैमिली किया जा रहा है, और वहाँ पे किस तरह से हम पहचानेंगे, और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से वेन का यूज इस सेंटेंस में कंजक्शन के तौर पे यूज इसको किया जा रहा है, और कैसे इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे देखिए वह यहाँ कब आएगा, तो आप इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो ये बनेगा वेन विल ही कम हेयर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैं खाना खा रहा था जब वह मेरे घर आया, आई वाज हैविंग। अच्छा, यहाँ पे जब मैं हैविंग का यूज़ कर रहा हूँ तो आपके मन में एक डाउट होगा, वो डाउट क्या कि क्या हैविंग का मतलब होता है खाना खाना। हाँ, तो देखिए हैव का मतलब होता है खाना या पीना, पहनना, लेना, या टेक का मतलब, टेक का यूज भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, ईट का मतलब होता है खाना खाना, ठीक है। और यहाँ पे आप गेट का भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप खाना पीना लेना पहनना के लिए हैव का, टेक का और गेट का यूज़ कर सकते हैं। और खाने के लिए बात करें तो यहाँ पे ईट का यूज़ किया जाता है, और अगर पीने के लिए हम बात करें तो यहाँ पे ड्रिंक का यूज़ आप करते हैं पीने के लिए। तो यहाँ पे मैं ईट के जगह पे हैव का यूज़ कर रहा हूँ, और हैव की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। आई वाज हैविंग फूड जब वह मेरे घर आया, तो यहाँ पे वेन का यूज़, उसके बाद ही केम टू माई होम। तो यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस को बनाया गया, और जब इस सेंटेंस को बनाया गया तो यहाँ पे वेन का यूज, और यहाँ पे भी वेन का यूज। अब यहाँ पे वेन का यूज किसके तौर पे किया गया, आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको क्या करना है, आपको सेंटेंस के लास्ट में चले जाना है, और देखना ये है कि सेंटेंस के लास्ट में किस तरह के पंक्चुएशन मार्क का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया गया है, और जब क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया गया है तो यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली के तौर पे इसको यूज़ किया गया है, और जब आपके सेंटेंस में फुल स्टॉप का यूज़ किया गया है तो यहाँ पे आप अनडाउटली कह दीजिए कि वेन का यूज़ किसके तौर पे किया गया है, कंजक्शन के तौर पे किया गया है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि हु, होम, होज, विच, वेयर, वेन का यूज डब्ल्यू एच फैमिली के तौर पे किस तरह से किया जाता है, और जब इनका यूज डब्ल्यू एच फैमिली के तौर पे किया जाएगा तो क्या सेंस निकल के आता है, किस तरह के ये सेंस देते हैं जब इनको डब्ल्यू एच फैमिली के तौर पे यूज़ किया जाता है, और जब इनका यूज हम कंजक्शन के तौर पे करते हैं तो किस तरह से हमको सेंस मिलता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलते हैं जल्द ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। आप जुड़े रहिए इम्बाइब इंग्लिश के साथ। थैंक यू इस पूरे वीडियो को देखने के लिए।